हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल में। फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो के माध्यम से मैं आप लोगों को प्राइवेट फॉर्म भरकर दिखाने वाला हूं। अगर आपको प्राइवेट या नॉन कॉलेज का फॉर्म भरना है तो इस वीडियो को फॉलो करके अपना फॉर्म भर सकते हो। प्राइवेट या नॉन कॉलेज का फॉर्म किस तरह से भरना है, स्टेप बाई स्टेप मैं आप लोग कंप्लीट फॉर्म भरकर दिखाने वाला हूँ, ठीक है। अगर आपको अपना फॉर्म भरना है तो इस वीडियो को फॉलो करके आप लोग अपना फॉर्म अपने मोबाइल फ़ोन से भर सकते हो। फीस कितनी है, डॉक्यूमेंट वगैरह क्या अपलोड करने होंगे, डिटेल्स कैसे भरनी है, सब्जेक्ट कैसे सेलेक्ट करनी है, कम्प्लीट जानकारी आपको इस वीडियो के माध्यम से मिलने वाली है। तो चलिए आपको लेकर चलते हैं डायरेक्ट वेबसाइट पर। तो हम डायरेक्ट वेबसाइट पर आ गए हैं। इस वेबसाइट का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, आप लोग उस पर क्लिक करके डायरेक्टली यहाँ पर आ सकते हो। जैसे आप लोग उस पर क्लिक करोगे आप लोग यहाँ पर आ जाओगे। यहाँ पर आने के बाद में आप लोगों को थोड़ा नीचे आना है। अब यहाँ पर आपको दिखेगा पैनल 4UG पार्ट 1 सैम 2024, इस पर आप लोगों को क्लिक करना है। जैसे आप लोग इस पर क्लिक करेंगे आपके सामने एक नया पेज ओपन होगा, इस तरह का पेज आपके सामने ओपन होगा। अब सबसे पहले तो आप लोग अपनी ABC ID बना लें। अगर आपके पास ABC ID नहीं है तो पहले आप लोग अपनी ABC ID बना लें, बाद में अपना फॉर्म भरें। ABC ID किस तरह बनानी है, तो ABC ID के लिए आप लोग अपने मोबाइल फ़ोन में डिजी लॉकर ऐप को डाउनलोड कर लेना, फिर डिजी लॉकर की ID बना लेना। डिजी लॉकर की ID बनाने के बाद में डिजी लॉकर से ही आपकी ABC ID बन जाएगी, ठीक है। इसके लिए अलग से वीडियो बनी हुई है, आप लोग उसको देख लेना। तो ABC ID बनाने के बाद में नीचे आपको आना है। यहाँ पर आने के बाद में नीचे आपको आना है। नीचे आने के बाद में अब आपको दिख रहा होगा रजिस्ट्रेशन, पहले आपको अपना रजिस्ट्रेशन करना है। तो इस पर आप लोग क्लिक करेंगे। अब आपके सामने यहाँ पर तीन ऑप्शन आएंगे। पहला है रेगुलर का, रेगुलर के फॉर्म इस टाइम भरे जा रहे हैं, आप लोग यहाँ से फॉर्म भर सकते हो रेगुलर के स्टूडेंट। दूसरा है एक्स स्टूडेंट, ये छात्र यहाँ से फॉर्म भर सकते हैं। और तीसरा है नॉन कॉलेजेट NC, यही ऑप्शन आपके लिए। यहाँ से आप भरे जाएंगे आपके प्राइवेट नॉन कॉलेज के फॉर्म, तो इसको आप लोग सेलेक्ट कर लें। इसके बाद में आप लोग अपना फुल नेम यहाँ पर डालना है। नेम के आगे आपको DRKU मिस मिस्टर वगैरह ये कुछ नहीं लगाना है। तो नेम डालने के बाद में अगला स्टेप ओपन हो जाएगा। अगला स्टेप है मोबाइल वेरीफाई। अब आपको अपना मोबाइल नंबर वेरीफाई करना है, आपको अपना मोबाइल नंबर डालना है, फिर सेंड OTP पर क्लिक करना है। आपके मोबाइल फ़ोन पर एक OTP जाएगा। अब मोबाइल नंबर आपको वो वाला डालना है जिससे आप लोग डिजी लॉकर की ID बनाओगे, मतलब जिससे आप लोग अपनी ABC ID बनाओगे, वही मोबाइल नंबर आपको यहाँ पर डालना है। वही कह चुका, वरना आपको यहाँ पर दिक्कत आ सकती है, तो वही मोबाइल नंबर आप लोग डालें। फिर इसके बाद में आप लोग सेंड OTP वाले बटन पर क्लिक कर दें। फिर आप लोग अपना OTP यहाँ पर डाल देना है। इसके बाद में आप लोगों को वेरीफाई OTP वाले इस बटन पर क्लिक कर देना है, ठीक है। एक मिनट का टाइम आपको मिलेगा, एक मिनट के अंदर आपको ये सब करना है। OTP आपका सक्सेस हो जाएगा, वेरीफाइड हो जाएगा। इसके बाद में आपको नीचे आना है। नीचे आने के बाद में आपको यहाँ पर दिखेगा क्रिएट योर पासवर्ड, आपको एक पासवर्ड बनाना है। आपको यहाँ पर दिख रहा है क्रिएट पासवर्ड, तो यहाँ पर आप लोगों को एक स्ट्रॉन्ग पासवर्ड बनाना है। पासवर्ड किस तरह से बनाना है, आपको यहाँ पर कुछ इंस्ट्रक्शंस वगैरह दिए गए हैं। तो पासवर्ड आप लोग इस तरह से बना सकते हो कि पासवर्ड का आप लोग पहला लेटर बड़ा ले सकते हैं, इसके बाद में स्मॉल लेटर ले सकते हैं, ठीक है। इसके बाद में जो भी आप लोग लेना चाहो ले सकते हैं। इसके बाद में कोई स्पेशल कैरेक्टर जैसे कि हैशटैग, ये हैश या फिर स्टार या फिर @ वगैरह ये ले सकते हैं। और इसके बाद में 123 वगैरह कोई नंबर ले सकते हैं। तो इस तरीके से आप लोग अपना पासवर्ड बना सकते हैं, अपने नेम का पासवर्ड बना सकते हैं। अब जो पासवर्ड आप लोगों ने यहाँ पर बनाया होगा वही पासवर्ड आप लोगों को यहाँ पर डालना है। फिर इसके बाद में आप लोगों को दिख रहा होगा सबमिट करें, इस पर आप लोग क्लिक कर देंगे। फिर इसके बाद में आपका रजिस्ट्रेशन हो जाएगा। आप लोगों को यहाँ पर अब एक यूज़र नेम मतलब एक नंबर मिलेगा, इसको आप लोग नोट कर लेंगे, ठीक है। इससे और आपके पासवर्ड से अब आपका फॉर्म लॉगिन होगा, तो इसको आप लोग नोट कर लें। अब इसके बाद में आप लोगों को यहाँ पर दिख रहा होगा लॉग इन करें, इस पर आप लोग क्लिक करें और आपको अपने फॉर्म को अब लॉगिन करना है। अब आपके सामने नीचे आओगे आप लोग तो आपको ऐसा एक पेज दिखेगा। अब आपको यहाँ पर यूज़र नेम में अपना यूज़र नेम डालना है जो आपको मिला है, ठीक है, जो आपने भी नोट किया है वो यूज़र नेम। और आपको अपना पासवर्ड डालना है, अगर यूजर नेम भूल गए तो इस पर क्लिक करके निकाल सकते हो, पासवर्ड भी इस पर क्लिक करके निकाल सकते हो, ठीक है। तो यहाँ पर आप लोग डालते हैं। इसके बाद में आपको लॉगिन पर क्लिक करना है। फिर इसके बाद में आप लोगों को नीचे आना है। अब आपको दिखेगा फॉर्म 2023-24, इस पर आप लोग क्लिक कर देंगे। फिर इसके बाद में आपका एप्लीकेशन फॉर्म आपके सामने ओपन हो जाएगा। अब आपका जो फॉर्म होगा वो कम्प्लीट 7 स्टेप में होगा। आप लोग अपने फ़ोन को डेस्कटॉप साइट में ओपन कर लेना, ठीक है। 7वां स्टेप है पेमेंट का, यहाँ पर आपका फॉर्म कंप्लीट हो जाएगा। पहला स्टेप है इंस्ट्रक्शंस का, अगला वेरीफाई ABC ID, फिर पर्सनल का, फिर एग्ज़ाम फॉर्म, फोटो एंड सिग्नेचर, फिर प्रीव्यू। तो सभी स्टेप मैं आपको कंप्लीट करके दिखाने वाला हूँ, वीडियो को लास्ट तक देखते रहिए।
इसके बाद आपको नीचे आना है, आपको यहाँ पर एक फॉर्म नंबर दिख रहा होगा, इसको आप लोग नोट जरूर कर लेना, ठीक है, ये आपके काम आने वाला है। इसके बाद आपको नीचे आकर नेक्स्ट वाले इस बटन पर क्लिक कर देना है। अब जो फर्स्ट स्टेप आपका कंप्लीट हो गया है, सेकंड स्टेप है वेरीफाई एबीसी आईडी। नीचे आने के बाद में यहाँ पर आपको अपनी एबीसी आईडी डालनी है, ठीक है, एबीसी आईडी आप लोग पहले ही बना लेंगे, बनाने के बाद में यहाँ पर अपनी एबीसी आईडी डाल देंगे। अब यहाँ पर हमने अपनी एबीसी आईडी डाल दी है, आप लोग भी अपनी एबीसी आईडी डाल देंगे। इसके बाद में आपको दिख रहा होगा वेरीफाई माई एबीसी आईडी, इस पर आप लोग क्लिक कर देंगे। क्लिक करने के बाद में आपकी आईडी की जो इन्फॉर्मेशन होगी एबीसी आईडी की, वो आपको यहाँ पर शो हो जाएगी। आपकी एबीसी आईडी, आपका नेम, आपकी डेट ऑफ बर्थ और आपका जेंडर आपको यहाँ पर शो हो जाएगा। नीचे आपको दिख रहा होगा सेव एंड नेक्स्ट, इस पर आप लोग क्लिक करके इसको सेव कर देंगे। स्टेप टू आपका कंप्लीट हो जाएगा। अब स्टेप थ्री है पर्सनल का, ये आपके सामने ओपन हो जाएगा। अब स्टेप थ्री में आपका नेम ABC ID का कोडिंग यहाँ पर डाला हुआ मिलेगा, ठीक है। आपको अपना नेम हिंदी में यहाँ पर डालना है, अपना जेंडर यहाँ से सिलेक्ट करना है, ठीक है। जेंडर आप लोग यहाँ से सिलेक्ट कर लेंगे, आप मेल फीमेल जो भी हो। इसके बाद में नीचे जो है ऑप्शन DOB, यहाँ पर आपको अपनी डेट ऑफ बर्थ डालनी है। इस पर आप लोग क्लिक करोगे तो कैलेंडर में सिलेक्ट करके आपको अपनी डेट ऑफ बर्थ यहाँ पर डालनी है। इसके आगे यहाँ पर आपके आपको अपने फादर का नेम हिंदी में, इंग्लिश में डालना है और यहाँ पर हिंदी में डालना है। फिर इसके बाद में नीचे है मदर नेम, तो मदर का नेम आपको यहाँ पर इंग्लिश में डालना है, यहाँ पर हिंदी में डालना है। यहाँ पर आपको अपना आपको मोबाइल नंबर डाला हुआ मिलेगा, ठीक है। नीचे यहाँ पर आपको अपनी ईमेल आईडी फिल करनी है, यहाँ से आपको अपनी कैटेगरी सेलेक्ट कर लेनी है कि आप किस कैटेगरी से बिलोंग करते हो। इसके आगे है इज़ माइनॉरिटी, तो अगर आप माइनॉरिटी कैटेगरी से आते हो तो आपको यस कर देना है, वरना आपको नो पर टिक लगाना है। तो जो स्टूडेंट हिंदू रिलीजन के अलावा किसी और रिलीजन से आते हैं वो माइनॉरिटी में आते होंगे, ठीक है, उनको यस पर क्लिक करना है। बाकी सभी हिंदू रिलीजन के स्टूडेंट को नो पर क्लिक करना है, ठीक है। अगर आप लोग यस पर क्लिक करते हो तो आपको अपनी माइनॉरिटी भी सिलेक्ट करनी होगी कि आप किस रिलीजन से आते होगी, आपकी माइनॉरिटी क्या है, ठीक है। तो आप लोग अपने हिसाब से यहाँ पर करें। इसके आगे है इस PWS, अगर आप PWD कैटेगरी से आते हो तो यस करना है, वरना नो पर टिक लगाना है। अब इसके आगे है रिलीजन, आपको अपना रिलीजन यहाँ से सिलेक्ट कर लेना है कि आप किस रिलीजन से बिलोंग करते हो। इसके नीचे अदर डिटेल में आपको दिखेगा आर यू ऑलरेडी एनरोल्ड विद दिस यूनिवर्सिटी, अगर आप इस यूनिवर्सिटी में एनरोल्ड हैं, आपने कोई भी कोर्स इस यूनिवर्सिटी से किया है, तो आपको यस पर टिक करना है, वरना नो पर टिक करना है, ठीक है। जैसे मान लीजिए आप लोग MA वगैरह का फॉर्म भर रहे हो, आपने BAC यूनिवर्सिटी से किया है, तो आप यस पर टिक कर सकते हो। यस पर टिक करोगे तो आपको इस यूनिवर्सिटी का एनरोलमेंट नंबर भी यहाँ पर डालना होगा, नो पर टिक करोगे तो कोई कुछ चीज़ आपको डालनी नहीं पड़ेगी। इसके बाद नीचे है आपके द्वारा दिए गए मोबाइल नंबर पर व्हाट्सएप मैसेज प्राप्त करने की सहमति, तो अगर आप व्हाट्सएप ग्रुप वगैरह में ऐड होना चाहो तो यस कर सकते हो, वरना नो पर टिक लगा सकते हो। फिर इसके बाद में नीचे है हैव यू अपीयर्ड इन द एग्ज़ाम ऑफ दिस यूनिवर्सिटी लास्ट ईयर, अगर आप इस यूनिवर्सिटी से अपने लास्ट ईयर मतलब पिछला क्लास आपने इसी यूनिवर्सिटी से किया है तब आप यस पर टिक कर सकते हैं, वरना आपको नो पर टिक करना है, ठीक है। मतलब कि मान लीजिए आप लोग सेकेंड ईयर या फिर थर्ड ईयर का फॉर्म भर रहे हैं, तो आपने पिछला साल इसी यूनिवर्सिटी से किया होगा। अगर आप फर्स्ट ईयर का या फिर फर्स्ट सेमेस्टर का फॉर्म भर रहे हैं तो आपने पिछला साल इस यूनिवर्सिटी से नहीं किया होगा, ठीक है। मान लीजिए आप BA या BCom या फिर BSc पहले सेमेस्टर का फॉर्म भर रहे हो, तो आपने पिछले साल 12th किया होगा, ठीक है, तो आपको नो पर टिक लगाना है। अब इधर साइड में आपको दिखेगा मीडियम, आप किस मीडियम में एग्ज़ाम देना चाहेंगे, हिंदी या फिर इंग्लिश, आपको अपना मीडियम सेलेक्ट कर लेना है। फिर इसके नीचे है हैज़ एनी केस ऑफ इन अनफेयर मीन्स एवर बीन मेड अगेंस्ट यू इन द यूनिवर्सिटी इन दिस यूनिवर्सिटी, तो अगर आपके रिजल्ट में कभी भी UFM लगा हो तो आपको यस कर देना है, वरना नो पर टिक लगाना है। आपका जो रिजल्ट आता है उस पर UFM आता लिखा हुआ, UFM की मीनिंग होती है अनफेयर मीन्स, अगर आपके रिजल्ट में UFM लगा हुआ आया है, ठीक है, तो आप यस कर सकते हैं, वरना नो पर टिक लगाना है। फिर इसके बाद में नीचे है क्या आप शुल्क सूची में दी गई पात्रता के अनुसार परीक्षा शुल्क लौटाए जाने के पात्र हैं, तो आप लोग यहां पर नो कर सकते हैं, ठीक है, नो ही आप लोगों को कर देना है।
इसके बाद नीचे आप लोग आएंगे, नीचे आपको अपना एड्रेस डालना है। एड्रेस लाइन वन में अपना एड्रेस डाल दें, एड्रेस लाइन टू में आप लोग थोड़ा एड्रेस यहाँ पर भी डाल सकते हैं कुछ, ठीक है, ऐसे पोस्ट वगैरह तहसील वगैरह आप लोग अगर हो आपकी तो। इसके नीचे अपना स्टेट सेलेक्ट कर लेंगे, अपना जिला सेलेक्ट कर लेंगे, अपनी सिटी यहाँ पर डाल देंगे और अपने एरिया का पिन कोड यहाँ पर डाल देंगे, ठीक है। तो मैं जल्दी आपको बताता हूँ, आप लोग ये सब ऑप्शन फिल करना है इस तरीके से, ठीक है। इसमें से लिस्ट में से आप लोग अपना स्टेट वगैरह और ज़िला वगैरह सेलेक्ट कर लेंगे। इसके बाद नीचे आप लोग आएंगे, नीचे आपको दिखेगा डिटेल्स ऑफ लास्ट क्वालिफाइंग एग्जामिनेशन पास्ड। तो अब अगर आप ये बीए बीएससी बीकॉम के पहले सेमेस्टर का फॉर्म भर रहे हो तो आपने इससे पहले ट्वेल्थ किया होगा, ठीक है। तो आपको ट्वेल्थ की इन्फॉर्मेशन यहाँ पर भरनी है, ट्वेल्थ का रोल नंबर यहाँ पर डालना है, ट्वेल्थ का लास्ट एग्ज़ाम क्लास मतलब यहाँ पर ट्वेल्थ डालना है आपको, और इसके आगे है लास्ट एग्ज़ाम ईयर, किस ईयर में पास किया है ट्वेल्थ वो डालना है, ठीक है। इसके नीचे आप लोग आएंगे, अब नीचे आपको ट्वेल्थ की इन्फॉर्मेशन भरनी है, ट्वेल्थ की यूनिवर्सिटी या फिर बोर्ड कौन सा है वो आपको डालना है, यहाँ पर सिलेक्ट करना है, ठीक है। यहाँ पर आपको राजस्थान बोर्ड मिलेगा, ICSE बोर्ड, CBSE बोर्ड और अदर मिलेगा। अगर अदर से हो आपका बोर्ड इसमें नहीं है तो अदर पर टिक लगा सकते हो। अदर पर अगर आप लोग सिलेक्ट करते हो तो आपको यहाँ पर अपना बोर्ड डालना होगा, ठीक है। अगर राजस्थान बोर्ड से हो तो आप लोग अपना बोर्ड सिलेक्ट कर सकते हो। फिर इसके आगे आप जिस बोर्ड से आप लोग अपना बोर्ड सिलेक्ट कर लें, इसके आगे है रोल नंबर, यहाँ पर ट्वेल्थ का रोल नंबर डाल दें, यहाँ पर सब्जेक्ट डाल दें, जितनी भी सब्जेक्ट हैं आपके पास मेजर मतलब जिनके रिटर्न एग्ज़ाम होते हैं उन सभी सब्जेक्ट को आपको यहाँ पर डालना है, सभी सब्जेक्ट को। आगे है मैक्सिमम मार्क्स, ट्वेल्थ का मैक्सिमम मार्क्स आपके बोर्ड में कितना है वो आपको यहाँ पर डालना है, ठीक है। इसके आगे है ऑप्टेंड मार्क्स, आपने कितने नंबर प्राप्त किए ट्वेल्थ में वो आपको यहाँ पर डालना है। फिर इसके आगे है परसेंटेज, फिर इसके आगे परसेंटेज आपकी काउंट होकर ऑटोमेटिकली यहाँ पर आ जाएगी। इसके आगे है ईयर ऑफ पासिंग, आपने किस ईयर में ट्वेल्थ पास किया, ठीक है, अपना ईयर आपको यहाँ पर डालना है। नीचे आप लोगों को टेंथ की इन्फॉर्मेशन भरनी है, टेंथ का बोर्ड, ठीक है, टेंथ का रोल नंबर डालना है, टेंथ का मैक्सिमम मार्क्स, टेंथ का ऑप्टेंड मार्क्स, टेंथ की परसेंटेज, टेंथ का ईयर ऑफ पासिंग, किस साल टेंथ किया है, टेंथ की सब्जेक्ट, जो भी सब्जेक्ट हैं सभी सब्जेक्ट आपको यहाँ पर डाल देनी है टेंथ की। और सभी इन्फॉर्मेशन भरने के बाद में आपको सेव एंड नेक्स्ट पर क्लिक कर देना है। अब हमने अपनी सारी इन्फॉर्मेशन भर ली है, आप लोग भी अपनी सारी इन्फॉर्मेशन इस तरीके से भर लेंगे, इसके बाद में आप लोग सेव एंड नेक्स्ट पर क्लिक कर देंगे। जैसे आप लोग इस पर क्लिक करेंगे आपका स्टेप थ्री कंप्लीट हो जाएगा, स्टेप फोर आपके सामने ओपन होगा, स्टेप फोर है एग्ज़ाम फॉर्म का। अब आपको अपनी सब्जेक्ट सेलेक्ट करनी है और अपना कोर्स सेलेक्ट करना है। पहले आप लोग पाठ्यक्रम का चयन करें, इसमें जाएंगे, अब आप लोग कौन सा कोर्स लेना चाहते हैं तो यहाँ पर दो कोर्स शो हो रहे हैं, बैचलर ऑफ़ आर्ट्स, बैचलर ऑफ़ कॉमर्स, ये है आपका बीए बैचलर ऑफ़ आर्ट्स और ये है आपका बीकॉम। तो फिलहाल यहाँ पर दो ही कोर्स शो हो रहे हैं, शायद ये फॉर्म दो कोर्स के लिए ही है। अगर बीएससी अगर के लिए फॉर्म होंगे तो कुछ टाइम बाद हो सकता है कि शो हो जाए, फिलहाल ये दो कोर्स यहाँ पर शो हो रहे हैं, ठीक है। तो आप लोग इनमें से जो भी कोर्स आपको लेना हो वो कोर्स ले लें, कोर्स लेने के बाद में इसके पेपर नीचे ओपन होकर आ जाएंगे। अब पेपर आपको यहाँ पर सिलेक्ट करने हैं, ये सब्जेक्ट नेम दिए गए हैं, ये सब्जेक्ट टाइप, ये पेपर कोड है, ये पेपर नेम है। तो आपको यहाँ पर दिख रहा होगा एबिलिटी एनहेंसमेंट कंपलसरी कोर्स, तो एक आप लोग यहाँ से ले सकते हैं, ठीक है। यहाँ पर जनरल सब्जेक्ट हैं, इसके नीचे है डिसिप्लिन सेंट्रिक कंपलसरी लिटरेचर थ्योरी, तो यहाँ पर कुछ लिटरेचर सब्जेक्ट हैं तो आप लोग यहाँ से एक सब्जेक्ट ले सकते हैं, ठीक है। लिटरेचर यहाँ पर है, संस्कृत भी है, उर्दू है, पर्शियन है। इसके बाद नीचे है डिसिप्लिन सेंट्रिक कंपलसरी थ्योरी, तो यहाँ से आप लोग कोई दो सब्जेक्ट ले सकते हो, ठीक है। और सब्जेक्ट के बारे में आप लोग एक बार कॉलेज में कॉन्टैक्ट जरूर कर लें और इंस्ट्रक्शन वगैरह को भी पढ़ लेना, ठीक है, ध्यान से। इसके नीचे है डिसिप्लिन एंट्रिक सेंट्रिक कंपलसरी थ्योरी एंड प्रैक्टिकल, तो प्रैक्टिकल सब्जेक्ट आपकी ये रहेंगी, अगर प्रैक्टिकल सब्जेक्ट लेनी हो तो इनमें से ही ले सकते हैं। तो आप लोग अपनी सब्जेक्ट ले लें। अब अगर आप लोग कोई प्रैक्टिकल सब्जेक्ट लेते हो इनमें से तो आप लोगों को उसका सेंटर भी लेना होगा, जैसे कि आप लोगों ने प्रैक्टिकल सब्जेक्ट मान लीजिए ज्योग्राफी ले ली है, अब आपको उसका सेंटर भी लेना होगा, ठीक है। आप लोग सर्च कॉलेज में जाएंगे, इस पर क्लिक करके एक बार क्लिक करने के बाद में जो लिस्ट नीचे सेलेक्ट कॉलेज, यहाँ से अपना कॉलेज सेलेक्ट करेंगे कि इसका प्रैक्टिकल आपको कहाँ पर देना है। तो यहाँ पर कुछ लिस्ट में कॉलेज आ रहे हैं, इन कॉलेजों में से आपको कहाँ इसका प्रैक्टिकल देना है, ठीक है, उस कॉलेज को सिलेक्ट कर लेंगे अगर आपको प्रैक्टिकल सब्जेक्ट लेनी हो तब है, ठीक है, वरना आपको इसको छोड़ देना है। तो सब्जेक्ट आप लोग अपने हिसाब से सिलेक्ट कर लें, सब्जेक्ट सिलेक्ट करने के बाद में आपको दिख रहा होगा सेव एंड नेक्स्ट, इस पर आप लोग क्लिक कर दें।
फिर इसके बाद में आपका स्टेप फोर भी कंप्लीट हो जाएगा, ठीक है, आपके सब्जेक्ट यहाँ पर सेव हो जाएंगी। इसके बाद में अगला स्टेप है फ़ोटो एंड सिग्नेचर अपलोड करने का। नीचे यहाँ पर आपको अपना फ़ोटो अपलोड करना है। फ़ोटो आपका 250 KB से कम होना चाहिए, JPEG या फिर JPG फॉर्मेट मांगा गया है। और नीचे आपको दिख रहा होगा सिलेक्ट सिग्नेचर, यहाँ पर आपको अपने सिग्नेचर अपलोड करनी है। तो मोबाइल फ़ोन से अपलोड करने का तरीका ये है कि मोबाइल फ़ोन से आप लोग फ़ोटो, आपका जो फ़ोटो है, ठीक है, और आपका जो सिग्नेचर है उस उनका फ़ोटो खींच लें मोबाइल फ़ोन के कैमरे से। इसके बाद में आप लोग फ़ोटो रिसाइज सर्च करके गूगल पर या फिर किसी भी चीज़ में इनका साइज़ ठीक कर लें, अपनी गैलरी में सेव कर लें। और यहाँ पर आपको दिख रहा होगा सिलेक्ट फ़ोटो, यहाँ पर जाएँ, यहाँ से सेलेक्ट करके अपनी गैलरी में से और अपलोड कर सकते हैं। देखिए इस तरीके से आप लोगों को अपना फ़ोटो अपलोड कर देना है। आप लोग फ़ोटो सेलेक्ट कर लेंगे, इसके बाद में आपको दिख रहा होगा अपलोड का ये बटन, इस पर आप लोग क्लिक करेंगे। क्लिक करने के बाद में सक्सेसफुली आपका फ़ोटो अपलोड हो जाएगा, ठीक है। इसी तरीके से आप लोगों को अपना सिग्नेचर भी यहाँ से सेलेक्ट करके अपलोड कर देना है। फिर इसके बाद में आप लोगों को दिख रहा होगा सेव एंड नेक्स्ट, इस पर आप लोग क्लिक कर देंगे। इसके बाद में आपका स्टेप फाइव भी कंप्लीट हो जाएगा, ये भी सक्सेसफुली अपडेट हो जाएगा, ठीक है। इसके बाद में आपका जो अगला स्टेप है प्रीव्यू वाला, ये ओपन होगा, ठीक है। आपके पीछे के सारे स्टेप ये कंप्लीट हो जाएंगे, ग्रीन टिक इन पा जाएंगे। अगला स्टेप है प्रीव्यू का। अब आप लोग नीचे आएंगे तो आपने फॉर्म में जो भी इन्फॉर्मेशन भरी है वो सभी आपको यहाँ पर शो हो जाएगी, ठीक है। आपकी ABC ID, मीडियम वगैरह, फॉर्म नंबर, ये सब आपको यहाँ पर शो हो जाएगा। आप लोग इसका स्क्रीनशॉट भी ले सकते हो, ठीक है। इसके बाद नीचे आपको आना है। अब देखो यहाँ पर आपको दिख रहा होगा सेव एंड नेक्स्ट। तो अब अगर आपके फॉर्म में कोई मिस्टेक हो तो आप लोग उसको करेक्ट कर सकते हैं बैक पर जाकर। बैक पर जाइए, आप जहाँ चाहो वहाँ जा सकते हो, ठीक है। जौन से स्टेप में आप लोग चाहो वो उन से स्टेप में अभी करेक्शन कर सकते हो। सारे स्टेप अभी ओपन है, सेव करने के बाद में ये ओपन नहीं होंगे, ठीक है। तो अगर करेक्शन करना हो तो बैक जाकर करेक्शन कर सकते हैं। अगर करेक्शन नहीं करना है, फॉर्म बिल्कुल ठीक है, तो आप लोग सेव एंड नेक्स्ट पर क्लिक कर सकते हो, करके आगे बढ़ सकते हो। तो मैं यहाँ पर सेव एंड नेक्स्ट पर क्लिक कर देता हूँ। इसके बाद में स्टेप सिक्स भी आपका कंप्लीट हो जाएगा। अब जो लास्ट स्टेप है वो है आपका पेमेंट का। तो फीस कितनी है आप लोग यहाँ पर देख लें। फ़ीस है यहाँ पर 2250 रुपये, ये है आपकी BA फर्स्ट सेमेस्टर की फ़ीस, ठीक है। BCOM की फ़ीस कुछ कम ज़्यादा हो सकती है, और प्रैक्टिकल फ़ीस जो है, प्रैक्टिकल अगर आप लोग सब्जेक्ट लोगे तो उसकी फ़ीस कुछ ज़्यादा होगी। विदाउट प्रैक्टिकल सब्जेक्ट की फ़ीस है 2250 रुपये, और ये आपकी एक सेमेस्टर की है। अगले सेमेस्टर फिर आपको लगभग इतनी ही फ़ीस देनी होगी, ठीक है। तो ये पहले सेमेस्टर की फ़ीस है। अब आप लोग फ़ीस पे कर देंगे, आपको दिख रहा होगा पे, इस पर क्लिक करके आप लोग अपनी फ़ीस को पे कर सकते हैं। तो इस पर आप लोग क्लिक करेंगे, फिर इसके बाद में आपके सामने आपकी ट्रांजैक्शन आईडी वगैरह आएगी, आपकी फ़ीस कितनी है वो आएगी, आपका यूज़र नेम, ईमेल आईडी वगैरह ये आएगी, ठीक है। आप लोग इसका भी स्क्रीनशॉट ले सकते हो, आपको ट्रांजैक्शन आईडी यहाँ पर दिख रही होगी। अब फीस पे करने के लिए आपको दिख रहा होगा प्रोसीड का ये बटन, इस पर आप लोग क्लिक कर दें। फिर क्लिक करने के बाद में किसी भी मेथड से आप लोग फ़ीस पे कर सकते हैं, ठीक है। आपको यहाँ पर कई सारे मेथड दिख रहे होंगे, नेट बैंकिंग, क्रेडिट, डेबिट कार्ड, QR, UPI, जिस भी तरीके से आप लोग फ़ीस पे करने चाहो फ़ीस पे कर सकते हैं, ठीक है। तो आप लोग अपनी फ़ीस पे कर दें, इस तरीके से आप लोग अपना फॉर्म भरने, फॉर्म भरने में अगर आपको कोई भी प्रॉब्लम आती है तो आप लोग कमेंट करके बता सकते हो, ठीक है। और प्रिंट निकालने के लिए आप लोग दोबारा से अपने फॉर्म को लॉगिन करेंगे, ठीक है। बाकी मैं आपको प्रिंट निकालने की अलग से वीडियो बनाकर बता दूंगा, ठीक है। अभी फ़िलहाल आप लोग अपने फॉर्म नंबर को ध्यान रखेंगे, और आपको जो आईडी वगैरह मिली है उन सबको आप लोग नोट कर लेंगे। प्रिंट के लिए मैं अलग से वीडियो बना दूँगा। तो आप लोग इस वीडियो को एक लाइक कर दें, सभी फ्रेंड को वीडियो शेयर कर दें, और आगे इस चैनल के माध्यम से आपको आपकी यूनिवर्सिटी न्यूज़ मिलेंगी, तो आप लोग इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।